हेलो क्लास, हाउ आर यू। आज का वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है गुडविल। नाम तो सुना ही आपने, आप जिसको हिंदी बोलते ख्याति। अब गुडविल का मतलब क्या होता है सर? गुड नेम। गुड नेम किसका नाम? इफ अ कंपनी अ पर्सन, किसी का भी हो सकता है गुड नाम, अच्छा नाम ना, जिसको हम लोग रेपुटेशन। आपको पता होना चाहिए गुडविल क्या है भैया। एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स विच कान टच एंड सीन, नहीं उसको देख सकते हैं नहीं उसको छू सकते हैं, ऐसा एसेट्स है हमारा गुडविल। और ये हमको क्या करता है, इसको मतलब क्या है? गुड नेम, रेपुटेशन, किसी फॉर्म का या किसी पर्सन का, उसको बोलेंगे हम लोग गुडविल, ख्याति। ये हमारे कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए काम करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स है ऐसे एसेट्स विच कांट टच एंड सीन, अब उसको बोलेंगे हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अगर नेचर की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में भी, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देते हैं तो नेचर जो होता है इसका, कैट, रैट और डॉग का होता है। कैट, रैट एंड डॉग यानी कि बिल्ली, चूहा और कुत्ते की इसकी जो नेचर होता है ये होता है, और ये तीनों की तरह क्या करता है, अपनी हरकतें करता है और हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट्स पहुंचाता है। तो इसके नेचर से थोड़े बहुत तो आप कुछ याद रखिएगा क्योंकि ये जरूरत है। अब बात करें गुडविल क्यों रिक्वायर्ड है हमारे कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गुडविल की रिक्वायरमेंट है क्या, क्यों जरूरत है? तो भाई अगर गुडविल रहेगा, नाम रहेगा, रेपुटेशन रहेगा, तुम्हारी सेलिंग बढ़ेगी, तुम्हारी सेलिंग बढ़ेगी यानी प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा यानी तुम्हारे ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा। इसलिए गुडविल की रिक्वायरमेंट हर एक कंपनी के लिए होती है। अब एक गुडविल आता कहां से, अगर हम लोग बात करें तो गुडविल कहां से आता है सर? कहीं से तो आता होगा, कहीं रखा होता है कहीं तिजोरी में, जहां से हम लोग क्या करते हैं उठाकर लाते हैं। तो ये दो तरीके से गुडविल आती है, या तो पहला है सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड ऐसे गुडविल जो कि सेल्फ जनरेट करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, रेगुलरिटी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, ऑनेस्टी रहता है, हार्ड वर्क की वजह से वो लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट की एक वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। लोग उसके प्रोडक्ट को इतने इंटरेस्ट के साथ चाहते हैं बिकॉज ही दे प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट। हो गया हमारा सेल्फ जनरेट कर दिया। दूसरा है भाई परचेज, अगर हम लोग जनरेट नहीं कर सकते तो परचेज कर लेंगे। परचेज कैसे कर लेंगे? दूसरे के बिजनेस ही, यानी जो सेल्फ जनरेटेड बिजनेस पहले से उसी को खरीद ले तो हमारा हो जाएगा, या हम कोई फ्रेंचाइजी ले लें। फ्रेंचाइजी समझ रहे हैं आप लोग, यानी जो ऑलरेडी रेपुटेड है उसकी फ्रेंचाइजी लेकर के हम उसी के नाम से एक बिजनेस चलाना चालू कर दें, तब हम लोग क्या करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जहां से हम लोग गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। या तो सेल्फ है यानी खुद से मेहनत करिए, नया कंपनी खोलिए और उसमें ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करके आप गुडविल जनरेट करिए, या तो परचेज कर लीजिए। ये चीज है। अब इसमें हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है भाई? इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, हमारी अच्छी मैनेजमेंट होगी तो गुडविल अच्छा होगा, खराब होगा तो गुडविल हमारी खराब होगी। लोकेशंस प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गुडविल ना। अब लोकेशंस यानी अगर मान लीजिए आपकी ऐसे जगह पे दुकान है जहां पे उस नेचर के गुड्स के लिए सूट नहीं करता है ना, लीकर का शॉप अगर मंदिर के बाहर तो भैया वो आपके चले गए नहीं ना। मीट का शॉप अगर आप बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिए आप किसी बढ़िया मंदिर, रेपुटेड मंदिर के पास, तो आपके चले गए नहीं ना। तो इस तरीके से आपका लोकेशंस बहुत मैटर रखता है, मायने रखता है कि आप कौन से लोकेशंस पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्वालिटी है नहीं, एक बार बंदा खाया दोबारा कभी नहीं जाएगा, तो ऐसे लोग कभी भी गुडविल मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरीके से फैक्टर्स हैं जो आप लोग के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल के लिए जरूरत होती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें हमारा टर्म्स है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए क्या टर्म्स है, इस टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, आपको पता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ना, इन मॉनेटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हम अपने फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को मनी के टर्म्स में फाइंड करते हैं। मनी का मतलब कि हमारी गुडविल की इन टर्म्स ऑफ मनी में कितनी वैल्यू है, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख ना, क्योंकि इंटेंजिबल है, विच कांट टच एंड सीन, तुम लोग ऐसे भी देख छू नहीं सकते, बट हाँ कुछ मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके वैल्यू के बारे में जान सकते हैं कि हमारी गुडविल की एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में कितनी है। अब जब मेन चीज होती है कि भैया हमारे वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होता है, रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों जरूरत होती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की, ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। सबसे पहला चीज कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलती है उस समय क्या होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों के समय हम लोग क्या करते हैं, अपने गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो जब भी आ जाए कि बताइए भाई क्या होता है। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो डिसोल्यूशन करते समय जब फॉर्म क्या होती है, बंद होती है, तभी भी हमारा क्या होता है, हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, बंद होता है कि भाई हमारी जो गुडविल है वो कितने में बिकेगी या कितनी उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है अमलगमेशन, अगर कोई कंपनी एक दूसरी दो कंपनियां साथ में क्या होती है, जुड़ जाती है, साथ में जुड़ जाती है, तो उनकी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ना, या एट द टाइम ऑफ सेल जब कंपनी क्या होती है बेची जाती है, उस समय भी क्या करते हैं हम लोग, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारे गुडविल की इन टर्म्स ऑफ मनी में कितनी वैल्यू है, कितना लेना है या कितना देना है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जहां जिसकी वजह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि भैया करते तो हैं हम लोग वैल्यूएशन, लेकिन कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो मेथड अप्लाई करते हैं और हम लोग किसी भी फॉर्म के गुडविल को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में ना, कि हमारी इन टर्म्स ऑफ मनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग मेथड फाइंड करें, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इसके तीन मेथड हैं। कितने मेथड है सर, तो तीन मेथड है, और तीन मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि हमारे फॉर्म का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की वैल्यू कितनी है। पहला हमारा जो टर्म्स है वो हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड है, अगर कोई पूछे कि भैया कितने मेथड होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन का, तो तीन मेथड है, और इन तीनों मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्म का या किसी भी फॉर्म का गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। कितने मेथड भाई, तो तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड वन बाई वन। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले चीज अगर हम लोग बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड जब भी अप्लाई करते हैं, नाम ही है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट
मेथड नाम ही है भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड ना, नाम ही है दिया है, नाम है हमारा भैया एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा। यानी सबसे पहले चीज देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होता है, एक जनरल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, आसान है, दोनों को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जनरल एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम बात करें, दोनों की बात करें, तो गुडविल इज इक्वल टू हमारा होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। तो ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है कि भाई अगर हम लोग को फाइंड करना है गुडविल, देन एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस हमारे करते हैं तो गुडविल की वैल्यू निकल जाती है। अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, एवरेज प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सम ऑफ टोटल प्रॉफिट माइनस लॉसेस अगर दिया है तो लॉसेस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स लिए, 4 साल का प्रॉफिट लिया है तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, देन यू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। आपको पता होगा एवरेज प्रॉफिट हमने क्लास 12th में भी स्टैटिक्स पढ़ा था, मीन एवरेज, तो उसको फाइंड करना, एवरेज बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो बहुत कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर किसी ईयर में प्रॉफिट की जगह लॉस दिया, देन यू कैन डिडक्ट फ्रॉम द सम, इन सम में से क्या करेंगे, उनको डिडक्ट करेंगे, उसके बाद आप टोटल प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो आप यू गॉट द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, देन नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन रहेगा आपकी क्वेश्चंस में कि 4 इयर्स परचेज हुआ, 3 इयर्स परचेज है, 2.5 है, तो जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू फाइंड द गुडविल। अब एक चीज आपको बता दूं इसी में, सबसे पहले चीज कि कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस के बारे में बता दें, ये दोनों होते क्या हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस की वजह से नहीं होता है, ये अनसर्टेन होता है, ये हमारा बिजनेस नेचर नहीं होता है, अचानक से कहीं से आया हुआ प्रॉफिट होता है, जैसे कि हमने लॉटरी लग गया, ठीक है, या कोई हमें गेन हो गया कोई एसेट्स बेचने के बाद, तो ऐसे प्रॉफिट को बोलेंगे हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट। उसी तरह हमारा कुछ एबनॉर्मल लॉस होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लॉस नहीं होते, अनसर्टेन होते हैं, जिसके लिए हम लोग बिजनेस नहीं किए रहते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे लॉसेस जो होते हैं वो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। तो अगर इस तरीके के लॉस या प्रॉफिट किसी भी ईयर के प्रॉफिट में ऐड है, जैसे मान लीजिए कि एबनॉर्मल प्रॉफिट 2005 के प्रॉफिट में ऐड है, तो सबसे पहले जितना ऐड है उसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, यानी कि प्रॉफिट जो भी रहेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको माइनस करेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको प्लस करेंगे जितना रहता है, उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ये चीज बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन में हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस भी ऐड करके या डिडक्ट करके दे दिए रहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है उसको माइनस करना है या प्लस करना है, देन आफ्टर फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। अब हमारी बात करते हैं अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, इसमें आपको वेटेड में सबसे पहले क्या दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा सर, वेट दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे ना, एक में अमाउंट रहेगा, दूसरे में वेट, 1 2 3 4 जो भी आपका वेट दिया रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके सम करेंगे, सम किसका करेंगे, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का भी सम करेंगे और वेट का भी सम करेंगे, दोनों के सम को प्रोडक्ट अपॉन वेट के सम को डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा होगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अब एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, देन वी फाइंड द गुडविल। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लें, एक दो क्वेश्चंस, उसके बाद आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन पे आप लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, द गुडविल ऑफ द फर्म 2 इयर्स परचेज दिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स विच वॉज फॉलो 2014, 15 एंड 16 में लॉस दिया है, ध्यान दीजिएगा, एंड
एंड 17 में 35,000 एंड 18,000 प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल। आप इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे, देन आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, जितने साल के प्रॉफिट है, कितने साल का प्रॉफिट दिया है, तो आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया है यानी कि आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, 2 इयर्स परचेज है, उससे कोई मतलब नहीं, जब गुडविल फाइंड करेंगे देन हम फाइंड द 2 इयर्स परचेज की जो भी बात आएगी। यहाँ पे सबसे पहले दी 25,000 प्लस 45,000 माइनस 27,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, देन यू गॉट द एवरेज प्रॉफिट ना। आप क्या करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, देन एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा तो गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 कर देंगे, 2 नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया है तो ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से यहां से फाइंड कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस लिया आप लोगों के लिए, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लिया है, सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक वन बाय वन ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर लें। ऐसी तरह से हम लोग हर एक मेथड को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द 1.5 ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीन्स द 1.5 परचेज दिया, 5 इयर्स किसमें भी दिए, जिसको भी क्या करेंगे आप, 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए और लास्ट 2 इयर्स लॉस दिया है, तो 3 इयर्स प्रॉफिट जो है 30,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 अपॉन 5, आप इस तरह करके इसको फाइंड कर सकते हैं ठीक है। इसी तरह हमने 5, 6, 3, 5, 6, 7 क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप बहुत आसानी से इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, बट सर आप लोग को लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वाले क्वेश्चंस में क्या दिया है भाई, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सौरभ इतना इतना दिया है और द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स गिवेन है 40,000, 46,000, 52,000, ये हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवेन है, एंड देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉसेज ऑफ 30,000 इन 14-15 में एड है, तो क्या करोगे भाई, 3000 को आप 14-15 में से माइनस करना, सॉरी लॉस है तो प्लस करना, प्लस करने के बाद देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद देन फाइंड द गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पहले आप फाइंड करेंगे देन आफ्टर आप उसको सॉल्व करेंगे ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नाम है सुपर यानी सबसे ऊपर, तो सुपर प्रॉफिट को भी थोड़ा सा सर हम लोग देख ही लेते हैं तो किस तरीके से सुपर प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग हेडिंग पुट कर लेते हैं भाई, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप लोग को सबसे पहले चीज काम करना होगा भाई कि गुडविल इज इक्वल टू जो होता है, गुडविल इज इक्वल टू आपको फाइंड कर लें, गुडविल इज इक्वल टू एसपी यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस, नंबर ऑफ इयर्स परचेस करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमने सुपर प्रॉफिट यानी एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू होता है एपी माइनस एनपी, एपी यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा वर्ड को पकड़िए, एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट हमने लिखा है। अब एनपी इक्वल टू क्या होता है सर, अगर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक गिवन रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन 100 ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, अगर हम मान लीजिए कैपिटल इंप्लॉयड भी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज यानी कैपिटल को आप ऐड नहीं करेंगे, आउटसाइड बाहर की कैपिटल को छोड़ के जो भी हमारे पास लायबिलिटी रहती है उसको माइनस करेंगे, देन यू फाइंड द कैपिटल इंप्लॉयड या शेयर होल्डर्स फंड को भी हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड ही बोलते हैं, तो आप उसको भी उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो आपके कितने स्टेप्स फॉलो करने होंगे सर, आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले चीज कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन रहेगा, तो आपके क्वेश्चंस में नंबर ऑफ इयर्स परचेस आल्सो गिवन रहेगा,
एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वहां से मैंने फाइंड करने बताया, तो वहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करके आप यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस मैंने क्या है क्वेश्चन है, द कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15% ड्यूरिंग द ईयर, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 48,000, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, गुडविल आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कितना है भाई, 22 लाख। तो 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवेन है आपके पास 15%, तो 2 लाख इंटू 15/100 कर देंगे, देन यू फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट गिवेन है 45,000, 45,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, देन यू गॉट द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एंड सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आपका 3 इयर्स दिया है, देन यू फाइंड द गुडविल ऑफ फर्म। इजी है ना, कुछ नहीं करना है, आसान ही है, आप इसको थोड़ा सा मेहनत कर दें तो कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 12,000 ईच, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर इतना इतना एंड इतना गिवेन। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 इयर्स परचेज लास्ट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें देखो भाई हमारे पास क्या दिया है, गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो आप इसके हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। और एवरेज प्रॉफिट की फाइंड करने की बात है तो 60,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 अपॉन 3 करेंगे, जितना आएगा उसमें से माइनस करेंगे 12,000, क्योंकि आपको हर साल सबको क्या करना होता है, सैलरी देना होता है सबको। ठीक है, तो उनमें से क्या करेंगे आप 12,000 को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी हमारा आ जाएगा, उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके गुडविल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है जहां से आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भाई नेक्स्ट कैपिटलाइज। अब देखिए कैपिटलाइज मेथड, थर्ड जो पॉइंट है हमारा कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, कैपिटलाइज मेथड, और कैपिटलाइज मेथड में दो फाइंड करना है। पहला है हमारा एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, इसको फाइंड करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ये दो फाइंड करते हैं, दो मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं इसको फाइंड करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड करें। अगर तो पहला मेथड अगर है हमारा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, तो दोनों को फाइंड करते हैं। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं कैपिटलाइज मेथड से, एक तो एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से करते हैं और दूसरा हमारा सुपर प्रॉफिट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, ना दोनों एक ही होता है, तो ध्यान देना, अलग अलग कंफ्यूजन मत हो जाना भाई आप लोग। ठीक है, आइए करके देखते हैं हम लोग। पहला हमारा है एवरेज कैपिटलाइज मेथड ना, एवरेज कैपिटलाइज मेथड,
अब एवरेज कैपिटलाइज मेथड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू होता है सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। तो ये ध्यान दीजिए, ये भी करते हैं ना, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। आपको कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, लेकिन अगर आपको फाइंड करना हो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एपी यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करेंगे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन फाइंड द एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फाइंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड्स को फाइंड करके क्या कर सकते हैं लोग भाई, निकाल सकते हैं। दूसरा है एवरेज सुपर कैपिटलाइज मेथड, सुपर कैपिटलाइज मेथड। अब भैया सुपर कैपिटलाइज मेथड है तो सुपर कैपिटलाइज मेथड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी हमारा सिंपल है गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये करेंगे ना तो हमारा निकल के आ जाएगा भाई सुपर कैपिटलाइज मेथड से गुडविल। और अगर इस मेथड को फाइंड करना है तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे, उसको आप फाइंड करेंगे तब आपको क्या होगा एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अब इस एवरेज प्रॉफिट से आगे जो चाहें आप फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने बिना फाइंड किए ही आप सोचने लगे कि भैया कहां गया सुपर प्रॉफिट। नहीं भाई, जो मैंने बताया था प्रीवियस, जाओ प्रीवियस वीडियो में, वहां पे आप क्या करो इसको सर्च करो, उसके बाद आपको मिलेगा, उसके बाद आप क्या करोगे इसको फाइंड करोगे। तो ये दो मेथड से यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग को और बेटर तरीके से समझ में आ जाए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बिजनेस हैज अर्न द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 lakh rupees, एवरेज प्रॉफिट दिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड गिविंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिया 10 lakh एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया 1 lakh 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमारे पास 10%। तो आपको क्या करना होगा सर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको 1 lakh into 100 अपॉन 10 कर देंगे ना, 100 अपॉन 10 कर देंगे तो निकल जाएगा। और कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या कर देंगे 10 lakh माइनस 1 lakh 50,000 ना, तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड निकल जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ स्क्रीन, आप क्या करिए इसको थोड़ा सा खुद से सॉल्व करिए सर, खुद से सॉल्व करेंगे थोड़ा बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा फास्ट से चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीजें रिवीजन हो जाए किस तरीके से सॉल्व करना, फिर मैं क्वेश्चंस का जो अपडेट्स रहेंगे यानी जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और सारे ट्रिक्स जिस तरह से आपको गुडविल फाइंड करना हो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से पता होने चाहिए, तभी आकर के कोई क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क बहुत जरूरी है कि लास्ट सेशन चल रहा है आप लोग मेहनत करिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बाकी ही अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और पीएचडी पे भी फोकस करूंगा, आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने की और प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। ठीक है, चाहे वो पीएचडी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंट्स का। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।